सर्विस सरकार को और सदन को आपने जानकारी दिया अपना वहाँ सर ट्रैफिक सिग्नल की बात हो रही है सर, पुलिस कर्मी रहती है लेकिन ट्रैफिक सिग्नल की बात है सर, इस वजह से काफी एनी टाइम एक्सीडेंट होती रहती है सर। स्थानांतरण कीजिए ना आप। अब जी सर इसको सर इसे करवा दिया है सर। सिग्नल के बारे में कहते हैं, मैंने कहा कि सरकार के पास जानकारी आई है, सरकार उस जानकारी के अभाव में अपना जवाब दी है और जो बात आप कह रहे हैं सरकार सुन रही है। आप बैठिए फिर, अब मैं आगे बढ़ गया। सातों दिन हम लोग का पाला पड़ता है सर आने जाने का, ठीक है हो गया। एनएच है सर, एनएच के बगल में ही बस अड्डा है और उस पार कोर्ट कैंपस है सर, और वहां हमें से गाड़ियां इस तरह लगी रहती हैं कि लोग ट्रेन नहीं जाके पकड़ पाते हैं और एनएच को क्रॉस करने में भी दिक्कत होती है सर। इसलिए मैं समझता हूं कि मांग बहुत ही मुनासिब है, अतः सरकार इस सिलसिले में गंभीर होकर वहां जरूर लगाने का काम करे सर। आपने सूचना दिया और सरकार के दुरुस्त व्यवस्था जो है उसके बारे में आपने जो सूचना दिया, मैं सरकार नहीं सर, सरकार के इस उत्तर से हम संतुष्ट नहीं है सर कि वहाँ व्यवस्था सही है, वहाँ रोज परेशानी हो रही है, लोग वहाँ लगाना चाह रहे हैं कि नहीं लगाना चाह रहे हैं लोग। आप स्थान ग्रहण करें, चूंकि मैं आगे बढ़ गया हूँ और आप और वो दोनों माननीय प्रश्नकर्ता भी बैठ गए, आए आपका पूरक ये पूछ लिए, इसलिए आपको नियम के मुताबिक अब नहीं खड़ा होना है। बैठिए श्री इजहारुल हुसैन माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय मुझे उत्तर मिला है, पूरक पूछिए। जी सर सर, मुझे उत्तर मिला है, वस्तु स्थिति यह है कि यातायात के सुचारू रूप से संचालन के लिए किशनगंज बस स्टैंड और शहर के सभी चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की गई है। यातायात संचालन हेतु उक्त स्थल पर पालीवार एवं कोटीवार 40 पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। किशनगंज जिला अंतर्गत ट्रैफिक सिग्नल लगाने का वर्तमान कोई प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में विचार नहीं है। सर मैं बोल रहा हूँ सर, वो बस स्टैंड के, जी सर आप पूरा पूछिए। जी वही पूछ रहा हूँ सर, बस स्टैंड में एनी टाइम सर वहाँ बंगाल जाती है, बंगाल की गाड़ी जाती है, नेपाल की गाड़ी जाती है, एनी टाइम ट्रैफिक जाम रहता है। मैंने मांग किया सर वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया सर। मांग नहीं कीजिए, आप प्रश्न के रूप में पूछिए, जो मांग है उसी को प्रश्न के रूप में पूछिए, वही तो पूरक हो जाता है। जी सर मैं अनुरोध कर रहा हूँ सर कि वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगाया जाए ताकि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं सर, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ रहती है सर। और सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी कोई प्रस्ताव वहाँ नहीं है, कोई ऐसी बातें नहीं जो माननीय सदस्य को चिंता, ट्रैफिक पुलिस रहती है और निदान करती। सर मैं चाह रहा हूँ सर इसको जल्दी किया जाए सर, क्योंकि काफी परेशानी होती है, आए दिन सर एक्सीडेंट होती है, तब तक विचार रहती है सर। फिर सरकार को और सदन को आपने जानकारी दिया अपना सर, वहाँ सर ट्रैफिक सिग्नल की बात हो रही है सर, पुलिस कर्मी रहती है लेकिन ट्रैफिक सिग्नल की बात है सर, इस वजह से काफी एनी टाइम एक्सीडेंट होती रहती है सर। स्थानांतरण कीजिए ना अब। जी सर इसको सर इसे करवा दिया है सर। सिग्नल के बारे में कहते हैं, मैंने कहा कि सरकार के पास जानकारी आई है, सरकार उस जानकारी के अभाव में अपना जवाब दी है और जो बात आप कह रहे हैं सरकार सुन रही है। आप बैठिए फिर, अब मैं आगे बढ़ गया। सातों दिन हम लोग का पाला पड़ता है सर आने जाने का, ठीक है हो गया। एनएच है सर, एनएच के बगल में ही बस अड्डा है और उस पार कोर्ट कैंपस है सर, और वहां हमें से गाड़ियां इस तरह लगी रहती हैं कि लोग ट्रेन नहीं जाके पकड़ पाते हैं और एनएच को क्रॉस करने में भी दिक्कत होती है सर। इसलिए मैं समझता हूं कि मांग बहुत ही मुनासिब है, अतः सरकार इस सिलसिले में गंभीर होकर वहां जरूर लगाने का काम करे सर। आपने सूचना दिया और सरकार के दुरुस्त व्यवस्था जो है उसके बारे में आपने जो सूचना दिया, मैं सरकार नहीं सर, सरकार के इस उत्तर से हम संतुष्ट नहीं है सर कि वहाँ व्यवस्था सही है, वहाँ रोज परेशानी हो रही है, लोग वहाँ लगाना चाह रहे हैं कि नहीं लगाना चाह रहे हैं लोग। आप स्थान ग्रहण करें, चूंकि मैं आगे बढ़ गया हूँ और आप और वो दोनों माननीय प्रश्नकर्ता भी बैठ गए, आए आपका पूरक ये पूछ लिए, इसलिए आपको नियम के मुताबिक